بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and welcome back to another interesting lesson of English subject for grade 2. Students, today we are going to start unit number 3 and the name of this unit is The Cow. I hope you know what a cow is, but if in case you forgot it, so let's have a look at the picture. This is a cow. Cow. Before we start the lesson, let me tell you that it's a poem, not a story. ठीक है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये पोएम है. और पोएम में आपको इस वक्त पेज पर 3 स्टैंजाज नज़र आ रहे हैं. जब हम स्टोरी पढ़ते हैं उसमें हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं. ठीक है, पोएम और स्टोरी में यही डिफरेंस होता है कि स्टोरी में पैराग्राफ्स होते हैं और इसमें हमारे पास स्टैंजाज होते हैं. ठीक है, स्टैंजा मतलब ऐसा पैराग्राफ जिसमें फिक्स लाइंस होती हैं. देखिए यहाँ पर 4 लाइंस हैं, इसमें भी 4 लाइंस हैं, इसमें भी 4 लाइंस हैं. अगर इसके अलावा इसमें और स्टैंजाज भी होते तो उसमें भी 4 लाइंस होते. एक और डिफरेंस जो है वो जो पोएम और स्टोरी में है वो मैं अभी बताने लगी हूँ, लेकिन लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट. द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट आई लव विद ऑल माई हार्ट. She gives me milk with all her might to eat with apple tart. ठीक है, आपको सुनने से ही पता चल जाता है कि एक पोएम है. कैसे पता चलता है वो, इसलिए कि इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स यूज होते हैं. वाइट, माइट, हार्ट, टार्ट. ठीक है, सो द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट. पहले जो स्टैंजा की लाइन है उसमें बताया गया कि इसका कलर रेड एंड वाइट है. ठीक है, और ये एक फ्रेंडली काव है. ठीक है, फ्रेंडली काव है मतलब अक्सर जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, या तो लात मारते हैं, या तो जैसे काव कुत्ता है वो किसी को देखकर बार्किंग स्टार्ट कर देता है, तो वो नॉन फ्रेंडली एनिमल्स हैं और ये फ्रेंडली हैं. ठीक है, आई लव विद ऑल माई हार्ट, आई लाइक इट वेरी वेरी मच. आई लव विद ऑल माई हार्ट का क्या मतलब है? आई लाइक इट वेरी मच. शी गिव्स मी मिल्क विद ऑल हर माइट. ठीक है, वो अपनी पूरी तवानाई लगाकर मुझे मिल्क प्रोवाइड करती है. ठीक है, जो काव है वो अपनी पूरी तवानाई, माइट मतलब ताकत, तवानाई, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर या अपनी पूरी तवानाई यूज़ करके हमें मिल्क प्रोवाइड करती है. टू ईट विथ एप्पल टार्ट, ताकि हम उसे मुख्तलिफ चीज़ों में खा सकें. एप्पल टार्ट एक किस्म का की खुराक है. ठीक है, अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि जितने भी यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स आपको नज़र आते हैं उनको गौर से देखा करें. यहाँ पर हमारे पास एक कॉमा है, फुल स्टॉप है, फिर कॉमा, फिर फुल स्टॉप, और ये हाइफन है. ठीक है, हाइफन तब यूज़ होता है जब दो वर्ड्स को मिलाकर एक मीनिंग देने वाला वर्ड बनाया जाए. ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रा पहचान ले क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे आपको आएगी. ठीक है, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन. ओके, एप्पल टार्ट एक डिज़र्ट है, खाने की चीज़ है. ठीक है, तो आपने मतलब मुख्तलिफ खाने की चीज़ों में हम मिल्क इस्तेमाल करते हैं या इसके बाय प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. जैसे दही भी मिल्क से बनता है, क्रीम भी मिल्क से बनती है, इस तरह जो देसी घी जिसको हम कहते हैं तो वो भी मिल्क से ही, मिल्क का ही बाय प्रोडक्ट है. ठीक है, लस्सी भी इसी से ही बनती है, तो बहुत सारी चीज़ों में मिल्क इस्तेमाल होता है. शी वांडर्स लोइंग हेयर एंड देयर एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे ऑल इन द प्लेजेंट एयर द प्लेजेंट लाइट ऑफ डे. यहाँ पर दोबारा हमारे पास जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं देयर और एयर, देयर और एयर. ठीक है, शी वांडर्स लोइंग हेयर एंड देयर. ठीक है, लोइंग जो उसकी आवाज़ होती है काव की, तो वो कहते हैं कि वो वही आवाज़ें निकालते हुए कभी इधर कभी उधर जाती रहती है. वांडर का मतलब है गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ जाती रहती है. एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे, और फिर भी वो रास्ता नहीं भटकती, मतलब उससे रास्ता नहीं भूलता अपने घर का. ठीक है, स्ट्रे का मतलब है रास्ता भूल जाना. All in the pleasant air, the pleasant light of day. ठीक है,
वो इधर उधर आती जाती है, खुशगवार मौसम को एंजॉय करती है, खुशगवार हवाएं और खुशगवार लाइट ऑफ डे। ठीक है, प्लेजेंट उसको कहते हैं जिसको जिसको महसूस करके आपको खुशी हो। जैसे जब ठंडी हवा चलती है तो यू फील दैट इट इज़ प्लेजेंट, इसको ठंडी हवा जो है वो प्लेजेंट फील होती है। ठीक है, प्लेजेंट लाइट ऑफ डे, ठीक है, खूबसूरत रोशनी होती है, प्लेजेंट रोशनी होती है। नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो है, आई एम ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास एंड वेट विद ऑल द शावर्स, शी वॉक्स अमंग द शैडो ग्रास एंड ईट द मेडो फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, पास ग्रास शावर्स फ्लावर्स, और यहाँ हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है वो कॉमा और फुल स्टॉप है। ठीक है, एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास्ट एंड वेट विद ऑल द शावर्स। ठीक है, जब वो बाहर घूम फिर रही होती है तो उस पर हवाएं चल रही होती है, विंड ब्लोज, हवा चलती है। ठीक है, तो उससे हवाएं उस पर से गुजरती हैं और कभी कभार उस पर बारिशें हो जाती है। शावर तो वैसे फुहारे को कहते हैं, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से बरसती है तो उसको भी शावर्स कहते हैं। और दूसरा, जानवर वगैरह बाहर जब होते हैं तो उनके लिए तो कोई अम्ब्रेला वगैरह नहीं होता, तो वो भी बारिश में नहा जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि बारिशों में जब गीले हो जाते हैं, वेट मीन्स गीला, सो एंड वेट विद ऑल द शावर्स, कभी वो गीली हो जाती है, कभी वो हवाओं में चलती है, मतलब हवाएं उसके पास से गुजरती हैं। ठीक है, शी वॉक्स अमंग द शैडो ग्रास, वो ग्रास के दरमियान में से गुजरती है। ठीक है, एंड ईट द मेडो फ्लावर्स, मेडो ग्रासी लैंड को कहते हैं। इसी पेज के एंड में आपको जहाँ काउज नज़र आ रही हैं आप देख सकते हैं, ये मेडो है, मेडो ग्रासी लैंड को कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारा मेडो है, हर तरफ घास ही घास नज़र आए, इसको चरागाह कहा जाता है उर्दू में, और ऐसे इसको मेडो कहा जाता है। तो वो फ्लावर्स भी खाती है। ठीक है, इस पूरी पोइम में जो राइमिंग वर्ड्स हमें नज़र आए वो क्या थे, वाइट माइट, हार्ट टार्ट, देयर एयर, स्ट्रे डे, पास ग्रास, शावर्स फ्लावर्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने करना यूँ है कि आपने घर में इसको रीड करना है, और जब आप इसको रीड कर रही होंगी तो उस वक्त आपने इसकी वीडियो बनानी है और वो हमें भेजनी है, ताकि हम आपकी जो रीडिंग है उसको असेस कर सकें कि उसमें किस हद तक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आप मतलब आपकी रीडिंग कैसी है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما